नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चुनाव मंच, मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। छत्तीसगढ़ के चुनाव में जो प्रचार चल रहा है दोनों तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से, जो भी कुछ एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो भी कुछ छींटाकशी चल रही है, या यूं कहिए कि इस चुनाव में अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो है इस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। उन्हीं के काम को लेकर उनकी पार्टी आगे जा रही है चुनाव में, उन्हीं के काम को या काम जो नहीं हुआ उसको मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। तमाम इल्जाम उन्हीं के ऊपर हैं और उनके बहुत सारे इल्जाम हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी और केंद्र की सरकार के ऊपर भी। और इस चुनाव में अपने काम को लेकर के वो कितने आश्वस्त हैं, क्या नए वादे उन्होंने किए हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए खुद हमारे बीच में मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत सर आपका चुनाव मंच पर। नमस्कार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन एक उनका वादा था हमसे कि एक कमिटमेंट था कि आज प्रोग्राम में वो आएंगे और आप आए सर। मैं आभारी हूँ आपका। मैं समझता हूँ कि ये इतना आपके लिए जो है भागदौड़ वाला वक्त है, इसमें समय भी आपने निकाला। सर कैसा चल रहा है कैंपेन, क्या फीडबैक मिल रहा है? जबरदस्त उत्साह है पूरे छत्तीसगढ़ में। हम लोग अभी नामांकन रैलियों में भी हम लोगों ने भाग लिया और उसके पहले दो दिन तक लगातार अभी राहुल जी का कार्यक्रम था। कोंडागांव, भानु प्रतापपुर, अभी राजनांदगांव और कंवर्धा, सभी जगह जबरदस्त उत्साह आम जनता में भी, कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि शासन की योजनाओं का लाभ जिन लोगों ने लिया है वो निश्चित रूप से पहले चरण के 7 तारीख और दूसरे चरण के 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जी। तो आप पिछली बार तो बड़ी जबरदस्त जीत थी आपकी, मतलब भाजपा तो साफ ही हो गई थी, इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नतीजों में? इस समय उससे बड़ी जीत होगी, क्योंकि पिछले समय तो हमने कहा था कि हम ये करेंगे, हमारे नेताओं ने कहा था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन इस 5 वर्षों में हमने करके दिखाया। संकट के समय हम खड़े रहे लोगों के साथ, हमने ताली थाली नहीं बजवाया, न मोमबत्ती जलवाया, लोगों के साथ खड़े रहे, उसके दुख में, उस संकट में, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे, तो उसका लाभ हमको मिलेगा। किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होता है वो चुन करके आए और उसके बाद 1.5-2 साल जो है वो किसी ऐसी आपदा में चले जाएं कि जिसमें और कोई ज्यादा विकास के काम नहीं हो सकते। वो चुनौती आपके सामने भी रही, कोविड आया, काफी समय उसमें आपका गया होगा, काफी काम जो है वो शायद प्रभावित हुआ होगा। बिल्कुल सही बात। हमारा तो लैंडलॉक स्टेट है, सभी राज्यों से जो साउथ से जो नॉर्थ जाने वाले जो लोग थे वो इसी छत्तीसगढ़ से वो गुजरते थे, तो उन यात्रियों की भी हम लोगों ने, और न केवल सरकार ने बल्कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे संगठन ने, समाज सेवी संगठनों ने जो सेवाएं की वो उस समय देश में चर्चा थी। सर आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने जो वादे किए हैं, आपका काम अपनी जगह पर, उसके अलावा कि एक बार फिर जो सबसे बड़ा वादा है वो किसान कर्ज माफी का वादा है, तो ये सवाल लेकिन बार बार पूछा जा रहा है कि पिछले चुनाव में कर्ज माफी की जरूरत आपको महसूस हुई कि किसान को थोड़ा संबल देना है, आपने किया, फिर 5 साल के बाद दोबारा वही काम क्यों करना पड़ा, मतलब किसान मजबूत नहीं हो पाए? ये सवाल केवल किसानों के बारे में क्यों पूछा जाता है? यदि किसानों को कर्ज माफी होती, उद्योगपति को माफी होता है तो नहीं पूछा जाता? उद्योगपति मर तो आप ही बहुत पूछते हैं। 14.5 लाख करोड़ रुपया यदि केंद्र सरकार माफ करती है उद्योगपतियों, चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों को, उसका इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता, न कोई मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न प्रिंट मीडिया, कोई सवाल नहीं पूछता। आज किसानों के यदि मैं पिछले समय 9.5 हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया, अभी भी उसी के आसपास होगा, तो इसमें सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और यदि किसान हमारा मजबूत होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सर कोई इसमें कोई आपने फैसला किया, आप सरकार में हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसके पीछे कोई इकोनॉमिक मॉडल है, कोई गवर्नेंस मॉडल है तो वो समझ में आना चाहिए। एक मॉडल है जो नीचे से पैसे इकट्ठा करके चंद लोगों के हाथ में सौंप दो। दूसरा मॉडल ये है कि आम जनता है, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, उनके जेब में पैसा डालो, तो वो पैसा फिर बाजार में आता है, बाजार में फिर बाजार में जब आता है तो व्यवसाय चलता है, व्यवसाय चलेगा तो निश्चित रूप से उद्योगों भी पहिया घूमेंगे। तो ये जो इकोनॉमी कांग्रेस की है वो छत्तीसगढ़ में हमने किया, और ये इस बात को बताते मुझे प्रसन्नता है कि देश या दुनिया में मंदी का असर रहा होगा कोरोना के समय भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं रहा, हर सेक्टर में बूम रहा, हर सेक्टर में वृद्धि रही। आंकड़े से मैं बता सकता हूँ, सारे सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे रियल इस्टेट की बात करो, चाहे जेम ज्वेलरी की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल की बात करें, कोई भी सेक्टर आप उठा के देखेंगे इसमें ग्रोथ हुआ है,
जो हमारी कांग्रेस की नीति है उसके लाभ मिला है, और एक नया जो इकोनॉमिक मॉडल जो राहुल जी कहते हैं और जो इकोनॉमिस्ट जो बात करते हैं और उसको हमने लागू किया है, तो पूरे सभी समाज के सभी वर्गों में निश्चित रूप से पैसा पहुंचा है और लाभ हुए हैं, और आर्थिक रूप से बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसको बीजेपी और प्रधानमंत्री भी उन्होंने कहते हैं दिवालिया मॉडल है, देश दिवालिया हो जाएगा जिस तरीके से लोग जो सरकारें जो हैं अब इस ट्रेंड पर आ गई हैं कि सब कुछ मुफ्त दे दो, बिजली मुफ्त कर दो, कर्जा माफ कर दो, स्कूटी बांट दो, कुछ बांट दो, पैसा डाल दो अकाउंट में। यदि केंद्र और राज्य की तुलना करें तो मैं कह सकता हूं कि केंद्र में FRBM एक्ट का वायलेशन भारत सरकार खुद कर रही है कि जहां 7% है, और हमारे जो FRBM एक्ट के अंदर है वो 3% के नीचे है। यदि हम ब्याज की बात करें तो 10% नीचे हमारे 6% है। यदि लोन लेने की बात करें जो 25% तक के RBI के जो गाइडलाइन है उसे बहुत कम 16% में, जबकि भारत सरकार खुद लांग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य वो भी इस सीमाओं को लांग चुके हैं। तो मॉडल किसका अच्छा है? जो अर्थव्यवस्था के जो पैरामीटर है उसका यदि पालन करते हुए छत्तीसगढ़ के गरीब किसान मजदूर के हित में यदि फैसला करते हैं वो मॉडल सक्सेसफुल है, या जो सारे पैरामीटर को लांग जाए और चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की संपदा चले जाए वो मॉडल अच्छा है। अच्छा, आप पर जितने आरोप लगते हैं या जितना आपको निशाने पर लिया जाता है वो राज्य के नेताओं से ज्यादा आपके विपक्ष से ज्यादा केंद्र के नेता लेते हैं, खासकर प्रधानमंत्री जब भी आते हैं आपकी बात करते हैं, गृहमंत्री अमित शाह आते हैं तो आप ही होते हैं बिल्कुल सेंटर पर, बिल्कुल उनके टारगेट पर। प्रधानमंत्री ने अभी एक सभा में ये कहा था, आप पहुंचे नहीं, सरकारी कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई जनता की भलाई का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री को तो आना चाहिए था लेकिन आ नहीं सकते। उसकी दो वजह, एक तो अपनी सरकार उनकी गिर जा रही है, सरकार बचाने में व्यस्त है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि आकंठ भ्रष्टाचारी कोई भी व्यक्ति मोदी से आंख में आंख मिलाकर मेरे सामने बैठ नहीं सकता, इसलिए नहीं आए। लो कर लो बात, मोदी जी खुद नीति आयोग की बैठक में हमारे गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हैं और रायगढ़ में आके बोलते हैं कि जो गोधन न्याय योजना है उसमें 1360 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, जबकि गोबर खरीदी 271 करोड़ की हुई है। तो 271 करोड़ की गोबर खरीदी में 1360 करोड़ की घोटाला कैसे हो सकता है, ये मुझे बता दे कोई भी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी नगर ना राय स्टील प्लांट, और हमने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, सर्वानुमति पारित किया कि यदि भारत सरकार स्टील प्लांट नहीं चला सकते तो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे, हम चला लेंगे, हमारे पास भिलाई में बहुत सारी अनुभवी इंजीनियर है उसके माध्यम से हम चला लेंगे। लेकिन उन्होंने दिया नहीं और बोला क्या, मैं किसी कांग्रेसी के हाथ में जाने नहीं दूंगा। कौन कांग्रेसी की हैसियत है भाई जो स्टील प्लांट ले ले, कांग्रेस से सरकार। लेकिन सवाल इस बात का, उस दिन प्रधानमंत्री आए और पूरा बस्तर बंद था लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए कि ये नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं बिकेगा, ये एक लाइन प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पाए। और नहीं बोल पाने के पीछे मजबूरी जो है प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो स्टील प्लांट शुरू हो और वो अपने मित्रों के हाथ में बेच दे और बीट लगाने के लिए आ गए हैं। बस मेरा पहला सवाल यही था कि जिस समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हों और उस समिति ने फैसला किया कि नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचना है, मैंने कहा उसे हटा दीजिए, मैं आपके स्वागत में आ जाऊंगा, मैं बस्तर के लोगों के साथ हूँ, बस्तर के लोगों की भावनाओं के साथ हूँ, और ये छत्तीसगढ़ की हित की बात है। भिलाई स्टील प्लांट 1955 में नेहरू जी ने लागू किया, आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। आप नगरनार स्टील प्लांट शुरू नहीं हुआ उसे निजी हाथों में बेच रहे हैं, तो उसका विरोध नहीं करूंगा। बट मुख्यमंत्री जी, विनिवेश तो इस सरकार की नहीं, पुरानी सरकार की भी पॉलिसी रही है, तो भाई जो स्टील ऐसा कोई विनिवेश बता दीजिए जो प्लांट बना ही नहीं है उसे बेचने की सूची में डाल दें, ऐसे एक आध उदाहरण बता दीजिए, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? ये नगरनार स्टील प्लांट चला नहीं है, उसके पहले वो विनिवेश की सूची में है, जो बजट है उसकी सूची में है, और उसके पहले आप देख लें सारे उद्योगपति, कम से 5 बड़े उद्योगपति के जो लोग हैं वो आके सर्वे करके चले गए हैं। तो नहीं बिकेगा ऐसा एक लाइन बोल तो दे प्रधानमंत्री जी, मैं स्वागत करूंगा। वो कहते हैं कि स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ से उखाड़ के थोड़ी ले जाएगा, यहीं चलेगा, यहीं के लोग काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, स्टील प्लांट ले नहीं जा सकते, इसको उठा गुजरात नहीं ले जा सकते आप, ये तो मैं मानता हूं,
ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना है कि इसको ऐसे जमीन से उखाड़ के ले जाओ, कोई पेड़ जैसे लगाते हैं, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। लेकिन ये निजी हाथों में जाएगा तो जो बस्तर के लोगों ने अपनी जमीन दी है उसके भावना क्या होगा, उसकी नौकरियों क्या होगा, वहां जो भर्तियां होगी उसमें आरक्षण का लाभ जो लोगों को मिलना है, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग, वो कहां मिलेगा? और उसका लाभ निजी हाथों में जाए, क्योंकि एक तरफ रमन सिंह जी ने और एनएमडीसी ने, सीएमडीसी और एनएमडीसी के ज्वाइंट वेंचर एनसीएल बनाया, और एनसीएल बना के जो बेलाईडेला के जो स्टील मतलब आयरन और खदान है, लॉयस खदान, उसको अडानी दे दिए थे। तो एक तरफ नगरनार स्टील प्लांट है बगल में और एक तरफ खदान है, तो आपकी नियत क्या है सब समझ आ। स्मृति ईरानी तो संसद में आपसे पूछ रही थी कि आपने अडानी को खदान क्यों दी। लो भला, गहलोत जी एक बार आए थे, उन्होंने कहा भाई ये खदान राजस्थान की है, इसको अप्रूवल दे दीजिए। स्मृति ईरानी की स्मृति लोप हो चुका है, क्योंकि जो जितने भी चाहे वो लॉस के की बात हो, चाहे कोल की बात हो, कोल बेरिंग एक्ट में परिवर्तन हुआ, एफआरबीएम एक्ट में परिवर्तन हुआ, और उसके बाद आपने राज्य से, पहले तो कोई भी खदान यदि भारत सरकार किसी को देती थी तो राज्य सरकार से पूछ लेती थी, उसकी सहमति ले लेती थी। अब जो आपने नीति बनाई है उसमें तो आप एफआरबीएम एक्ट निसारी, वो जो जो खनिज के नीति जो बनाई परिवर्तन किया है उसके, उसमें तब ये है कि हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिया जमीन आपने, जमीन छत्तीसगढ़ की है, लेकिन जो मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। अभी हमसे कौन से पूछ रहे हैं? नहीं, फॉरेस्ट का क्लियरेंस आप देंगे उसको, वहां पर जमीन अधिग्रहण आप करेंगे, बहुत कटेगा तो उसकी क्लियरेंस आप देंगे। मतलब बहुत अध्ययन करके आए, मुझे ही पता है, इतनी ये बारीक लाइन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि इसको अलॉटमेंट किसने किया? बिल्कुल केंद्र ने किया, केंद्र ने किया ना, बिल्कुल किया। तो बचत प्रोसेस है। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्यावरण अधिनियम किसने बनाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पर्यावरण अधिनियम किसने बनाया, वन अधिनियम किसने बनाया? भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने बनाया है तो उसको, उसके तहत काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी, केंद्र सरकार की, तो क्लियरेंस कौन देगा? तो राज्य सरकार तो बनाया नहीं इस नियम को, है ना, तो उसमें हमको वो अधिकार दे, हमको तो ये काम करके दे दो, ये आपको करना है। मैं तो आपको एक से एक उदाहरण दे दूंगा। जब क्लियरेंस वन, स्टेज वन और टू की बात आई, हमने स्टेज टू के क्लियरेंस नहीं दिया, भारत सरकार वन विभाग के अधिकारी आए हमसे पूछे तक नहीं, वो देखे और उन्होंने क्लियरेंस दे दी। अब उनसे सवाल पूछेंगे आप? तो आप किस चीज के खिलाफ हैं कि जो जॉब, जो भी खदान हो, हाँ, वो उसका एमडीओ होता है मेरे ख्याल में, अगर गलत नहीं हूं तो, जो ऑपरेटर होता है। एमडीओ तो राज्य सरकारें करती है। हाँ, नहीं तो वो जो एक चीज़ है, वो प्राइवेट, वो कोई इंडस्ट्रीज में बड़ा डिटेल में जा रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी भी है कि आप इतना डिटेल जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो भारत सरकार कोल स्कीम का आरोप लगाए 1,86,000 करोड़ का, और उन्हें कहा हम नीलामी करेंगे तो हमको इतना लाभ होगा, कितना पैसा मिला? कभी आपने पूछा कोल मिनिस्टर से कि भारत सरकार से में कोयले की नीलामी से कितना मिला और कितने बार नीलामी किए और किसने लिया, ये पता किए? नहीं किए, क्योंकि पूछने की हिम्मत किसी की नहीं है। अब सवाल इस बात का है, अब वो दूसरे रास्ते से अपने मित्र को सहयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब राज्य सरकार को वो अलाट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के खदानों को नीलामी चढ़ाए, कोई लेने वाला आया नहीं, एक जिंदल लिया तो जिंदल के साथ जो दुश्मनी है भारत सरकार की वो सब जानते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वो भारत सरकार निरस्त कर दी, वो बोली वही लगाता है, वही प्राप्त करता है, उसके बाद उसको निरस्त करते हैं, क्योंकि आपको व्यक्तिगत रंजिश है आपको, इस कारण से उसको दे नहीं रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब आप नीलामी नहीं किए तो आपने दूसरा रास्ता क्या किया, राज्य सरकारों के अलाट कर दिया, राज्य सरकारों के अलाट कर दिया, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, सबको छत्तीसगढ़ के धरती में अलाट कौन किया, भारत सरकार ने। और वहां एमडीओ वही एक आदमी जिसके पास जा रहा है। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मित्रों से पूछना चाहता हूं, जब ACCL सबसे बड़ा
कोयला उत्पादक है। अभी 2 महीने पहले आचार संहिता लगने के पहले रायगढ़ के गारे पेलमा का जो कोयला खदान है उसे अडानी क्यों दिया, जब ACCL खुद कोयला का उत्पादक है और उसको एलआर जो खदान है उसको अडानी की दे दिया, क्यों? इसका कोई जवाब है? जबकि इस कोयले ढुलाई के लिए छत्तीसगढ़ के 400 ट्रेनें रद्द हो चुकी, 400 ट्रेन। अभी अरुण साहू जी आए थे, बड़ी बड़ी बात करके गए हैं, वो सांसद भी हैं, एक ट्रेन भी चला नहीं पा रहे हैं, न एयरपोर्ट के इस्तेमाल कर पा रहे हैं बिलासपुर का। तो बात यह है कि आप कोयला ढुलाने के लिए आप यात्रियों को पूरा परेशान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से 400 ट्रेनें रद्द होना, अभी नवरात्रि का त्यौहार था, डोंगरगढ़ में ट्रेन रद्द, जिसमें महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के सारे दर्शनार्थी आते हैं, वो ट्रेन भी रद्द आपने कर दी, उसे शुरू भी नहीं कर पाए। तो जो चीज आपके हाथ में वो कर नहीं पा रहे हैं, अपर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब सवाल एक आखिरी बात मैं कर रहा हूं, यदि इसको नीलामी करते कोयला खदान को, जितने लोगों को दिए, जितने राज्यों को दिए, यदि वो नीलामी होता तो हमको रॉयल्टी भी मिलता, हमको प्रीमियम भी मिलता, और 30 साल में हमारा छत्तीसगढ़ का 9 लाख करोड़ का घाटा भारत सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ का 9 लाख करोड़। यदि निजी हाथों में, जो इनकी नीति है, यदि निजी हाथों में बेचते हैं तो प्रीमियम भी मिलता, रॉयल्टी मिलता। अब आप राज्यों को दे दिए, राज्य MDO कर लिया, अब राज्य है, हमको तो रॉयल्टी भर मिलेगा, प्रीमियम तो मिलना नहीं, 100 रुपया मिलेगा। भारत सरकार को कितने बार कह चुके हैं रॉयल्टी बढ़ाइए, जबकि आपकी नीति है कि हर 3 साल में आपको रॉयल्टी बढ़ाना है, लेकिन 2014 से आज तक रॉयल्टी नहीं बढ़ी है। भले विदेश से कोयला लाएंगे, महंगे कोयला जलाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग धूल धक्कड़ खाएं, लेकिन रॉयल्टी 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे, महंगा हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में यदि रॉयल्टी बढ़ाते हैं कोयला का तो महंगा हो जाएगा, विदेश से 12,000-14,000 रुपया प्रति टन में ले रहे हैं तो महंगा नहीं है। आप कई विषयों पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखते हैं, कई विषयों पर आप उनको, आपका पत्राचार उनके साथ चलता है, चाहे ये रेल रद्द हो रही है उसको लेकर के, चाहे आवास को लेकर के, चाहे शौचालय बन रहे हैं उसको लेकर के, क्या रिस्पांस आता है, जवाब आता है? कोई रिस्पांस नहीं आता। ये कोयला की जो रॉयल्टी है, जो पहले खदान जो मिला था जिनको, उसके पे पेनाल्टी लगाया, तो पेनाल्टी रॉयल्टी में अधिकार राज्य सरकारों को होता है। 4,140 करोड़ रुपये भारत सरकार हमारा रखा हुआ है, लेकिन उस प्रधानमंत्री बोल दिए, गृह मंत्री बोल दिए, कोयला मंत्री बोलते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो सहमत है तो दे दीजिए हमको पैसा। हम सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही 295 रुपया प्रति टन के हिसाब से उनको पेनाल्टी लगा था, जितने प्राइवेट प्लेयर थे, और वो पैसा भारत सरकार रोक रखी, हमारा पैसा है छत्तीसगढ़ का, उस रोक रही, OPS के 17,000 करोड़ रुपया वो रोक रखे हैं, हमारे कर्मचारियों का पैसा है, राज्य सरकार का पैसा है, उसको रोक रखे हैं, दे नहीं रहे। आपका पैसा सरकार रोकती है और आपकी शिकायतों पर जवाब भी नहीं देती, जवाब ही नहीं देते। बयान बहुत चर्चित है उप मुख्यमंत्री टी सिंह देव का, उन्होंने कहा था एक सभा में मोदी जी के सामने ही कि हम जो मांगते हैं मिल जाता है, उससे ज्यादा ही मिल जाता है। हाँ, तो कोई घर आए, मेहमान आए, तो उसको गाली थोड़ी देंगे, आप भले झूठी तारीफ करेंगे फिर। भाई ऐसा है कि आप भले एंकर के रूप में बैठे हैं, लेकिन हैं तो छत्तीसगढ़ के मेहमान, मैं तो आपकी प्रशंसा ही करूंगा, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पहले कैसे सवाल पूछे, लेकिन मैं बोलूंगा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे छत्तीसगढ़ में आए तो मैं प्रशंसा करूंगा, अब उसको आप राजनीतिकरण करेंगे। सर राजनीतिक व्यक्ति है, प्रदेश के मंत्री थे, प्रधानमंत्री के सामने कह रहे हैं कि भाई आप हमारी सारी बात मान लेते हैं, हम जो मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। हाँ, अब वो चल दिए, अब उसकी तारीफ कर दी, उसका राजनीतिकरण, हम नहीं गए तो उसका राजनीतिकरण। नहीं, आपने भी कहा, आपने भी मोदी जी के मंच पर एक मोदी जी की नहीं सुने तो मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रकरण बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। मोदी जी के लिए तो आपने ये कहा कि मैं मोदी जी के मंच में रहते हैं, लेकिन इसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोदी जी के मंच में मैं गडकरी की तारीफ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, तो मोदी जी कैसे बर्दाश्त किया होगा बेचारा। तो आपने सोच समझ के तारीफ की थी कि मोदी जी के सामने गडकरी जी की तारीफ, राजनीति थी, राजनीति। मैंने गडकरी की तारीफ कर दी, और मोदी जी को पचना नहीं है, वो तो अपने भाई विदेश जाते हैं तो विदेश मंत्री कभी रहते हैं क्या? हरी झंडी दिखाते हैं ट्रेन का, वंदे भारत, कभी रेल मंत्री उनके साथ होते हैं क्या? होते हैं, वो अकेले दिखते हैं। टनल का उद्घाटन करने जाते हैं, कोई नहीं रहता, हाथ हिलाते रहते हैं, लेकिन गडकरी जी होते हैं क्या उसमें? नहीं होते।
तो गडकरी जी की भी आपने सच्ची तारीफ की थी या झूठी? नहीं, अब गडकरी जी हमारे मित्र हैं, पड़ोसी पड़ोस के राज के हैं, विदर्भ के। पहले तो छत्तीसगढ़ मध्य विदर्भ एक ही राज था 56 के पहले तक के। और गडकरी जी इसके साथ हम लोग कई मंच शेयर किए, भले आदमी है। मोदी जी भले आदमी नहीं है? अब भले आदमी मैं तो मिलता हूँ भाई, तो व्यवहार बढ़िया करते हैं, लेकिन पीछे जैसे मैं वहां निकलना नहीं रहता हूँ, वो ईडी आईटी पहले पहुंच जाता है। अब इसको क्या कहूंगा, ईडी आईटी को आपसे क्या प्रेम शुरू हुआ है? अजय ईडी आईटी सीबीआई इसका आपसे क्या प्रेम शुरू हुआ? आपके जन्मदिन पर आ गए थे रेड करने के लिए आपके आस पड़ोस, बताइए वाले। ऐसे करना चाहिए क्या? एक तरफ जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, दूसरे तरफ ईडी आईटी भेज रहे हैं, ऐसा करना चाहिए? मैंने आपको बताया ना, देखिए पहली लाइन में आपको मैंने जो पूछा था, वो कहते हैं भाई कि उन्होंने तो सीधे खुल के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वो कहते हैं छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है आपकी सरकार। वही तो मैं बताया ना, 271 करोड़ की गोबर खरीदी, आरोप 1360 करोड़ का। मैंने एक उदाहरण बताया, वो बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा। अब जैसे वो कहते हैं कि महादेव ऐप में, महादेव है ना, छत्तीसगढ़ सरकार अकेली सरकार, शायद आंध्र प्रदेश और किया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन छत्तीसगढ़ अकेली सरकार है जो महादेव पे कार्रवाई की और 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके लैपटॉप, उसके गैजेट्स, मोबाइल, रुपया सब जब्त किए। ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे थे, हमने फिर जो उसके महादेव संचालित करते हैं उस पर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। लेकिन यहां मेरे ओएसडी और मेरे सलाहकार के छापा मारे, मिला कुछ नहीं। और मैं ये कहता हूं कि महादेव ऐप के साथ भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरों के साथ कुछ लेन देन हुआ है, तभी महादेव ऐप को बंद नहीं करेंगे। वो राज्य सरकार बंद नहीं कर सकती, केवल केंद्र सरकार बंद कर सकती है, उन्होंने किया नहीं है। और दूसरी बात, जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब दे। और नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आपके बीच में कुछ साठ गांठ हुआ है, कुछ लेन देन हुआ है। वो कहते हैं ऐप यहां से शुरू हुआ, सट्टेबाजी जुएबाजी यहां से शुरू हुई, तो बंद तो करो, बात आ गया, उसको संरक्षण यहां से हासिल है, प्रोटेक्शन यहां से हासिल है, तभी बढ़ पाए। प्रोटेक्शन भैया, वो इस देश के बाहर रहते हैं, मेरा प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, बताओ। गया तो यहीं से सर, ऐप यहीं बना था, हमने तो कार्रवाई शुरू कर दी ना, ये तो 2017 से शुरू हुआ, रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ। और हमको जैसे जानकारी, हम 450 लोगों की गिरफ्तारी किसको बोलते हैं, हमने किया। और अभी तक महादेव में ये वाला अभी ईडी घूम रही है, कितने लोग गिरफ्तार किए, केवल पॉलिटिकल, मतलब हम ईडी से हम कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप चिन्हित करके कार्रवाई करते हैं, आप निष्पक्ष कार्रवाई करो ना। मैं कह रहा हूं कि विदेश में बैठे हैं दोनों, उसको गिरफ्तार करो, भारत राज्य सरकार तो नहीं कर सकती। रमन सिंह जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 13,000 पन्ने का डॉक्यूमेंट जो है ईडी ने सबमिट किया अदालत के अंदर, सीनियर आईएएस अफसर जेल में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है, तो भ्रष्टाचार कुछ तो हुआ। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ईडी आए, आपको गिरफ्तार कर ले, उसके बाद आप 2 साल तक आप जमानत ले, बता दो मुझे ऐसा कैसे होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आईपीसी धारा लगता ही नहीं उसमें। ईडी के जो गिरफ्तार एक बार कर लिया तो न लोअर कोर्ट, न सेशन कोर्ट, न हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत नहीं मिल रहा है अभी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में ईडी के अधिकारियों को फटकार लगाई है, जमानत ही नहीं होना है, आप कुछ भी कर लो, सर पटक लो। एक लिस्ट लेके बैठते हैं यहां, तो आज सुबह से बीजेपी के कई नेता आए, वो तो धड़ाधड़ एक के बाद एक गिनाते हैं, शराब घोटाला हुआ, पीडीएस घोटाला हुआ। मैं शराब बता देता हूं जी, ये नीति बनाई रमन सिंह ने, ठीक है। अब सवाल इस बात का, आरोप क्या लगाए, आरोप लगाए हैं फर्जी होलोग्राम लगा के शराब, फर्जी होलोग्राम लगेगा कहां, फैक्ट्री से, उस फैक्ट्री में लगेगा ना, फैक्ट्री में लगेगा। बहुत सही जवाब आपने दिया, देखिए आपका काम मैं कर रहा हूं, आप मेरा काम कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, थोड़ा ताली बजा दो यार, मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि होलोग्राम यदि नकली लगता, असली लगे, नकली लगे, फैक्ट्री में लगेगा। लेकिन एक भी फैक्ट्री का मालिक ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी ने उसे संपत्ति जब्त की, या ईडी ने उसके बैंक सीज किया, ये मुझे बता दो। और मेरा आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ इनका लेन देन हुआ, सांठ गांठ हुआ है, और इस कारण से ईडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं हुआ? राजस्व का नुकसान हुआ है प्रदेश को या नहीं हुआ? 2000 करोड़ बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताओ,
राजस्व को नुकसान हुआ। जितने लोगों गिरफ्तार किए हैं उसके चल अचल संपत्ति से पैतृक संपत्ति सबको जोड़ लो तो 200 करोड़ हुआ। 3 साल से जांच कर रहे हैं, आईटी पहले उसके बाद ईडी, 200 करोड़ आरोप कितना है 2168 करोड़ का जी। ठीक है, वो तो सर जो शराब, अरे सुनो तो भाई, बेचकर पैसा आना था उसका भाई, मुझे आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब तो देने दीजिए हुजूर, मुझे अधिकार तो है जवाब देने का, मोदी के राज में जवाब भी देने का अधिकार नहीं, पूरा अधिकार से अधिकार है ना, मैं वही जवाब दे रहा हूँ आपको। सवाल इस बात का है जो आप कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ, इसमें दो उत्तर है मेरे। पहली बात यह है रमन सिंह के समय में 3900 करोड़ रुपए का राजस्व आबकारी से मिलता था, 3900 करोड़, हमारी सरकार आई तो वो 6000 करोड़ हो गया, तो राजस्व खानी हुई कि फायदा हुआ, 4039 करोड़ बढ़ा है कि 5600 या 6000 करोड़ बढ़ा है, वो कह रहे हैं 8000 करोड़ होना चाहिए था, तो इसका मतलब रमन सिंह को तो पहले पकड़ना चाहिए क्योंकि 3900 करके रखा था। दूसरी बात, सीएजी है भारत सरकार के, सीएजी दो बार आके यहां जांच करके गए, दुकानों दुकान दुकान में गए और रिपोर्ट उसके रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा कि यहां किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई, एक बार नहीं दो बार का, अब किसको सही मानेंगे, भारत सरकार की होगी है, किसको सही मानेंगे, आईटी ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं, सीएजी कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं, केवल ईडी कर रही गड़बड़ है लेकिन वो फैक्ट्री वालों को नहीं पकड़ रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं का क्या लेन देन हुआ जिसके कारण से न उसके बैंक खाते सीज हुए, न उसकी संपत्ति सीज हुई, न उनकी गिरफ्तारी हुई। मतलब आप मान रहे ना फैक्ट्री वाले ने कुछ तो किया था, मैं मान नहीं रहा हूं, यदि गलत है और आपने ही कहा कि होलोग्राम वही चेंज होगा तो उसकी गिरफ्तारी, उसने फर्जी होलोग्राम बनाया यही आरोप है। हाँ तो भाई उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या लेन देन हुआ जिसमें आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। मेरे मैं सर मैं और आप एक जगह पर यहाँ मिल रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो, कुछ भाई सीएजी करे कोई गड़बड़ी नहीं, फिर गिरफ्तार क्यों करे फैक्ट्री वाले को। वही तो कह रहा हूँ, ईडी तो भाई ऐसा है कि जो ऊपर जो अधिकारी जांच करने आते हैं ना क्या करेंगे, दबाव है इस कारण से आए, यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है, सबके यहाँ छापा डाला मिला कुछ नहीं, किसके यहाँ पैसा मिला बताओ, किसके यहाँ संपत्ति मिली, जिसके जो फैक्ट्री मालिक उसके यहाँ जो 56 करोड़ रुपए मिला तो छोड़ के आ गए, 56 करोड़ रुपया केवल गहना, पैसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गहना उसको छोड़ के आ गए। और आप महादेव ऐप में मेरे सलाहकार के यहाँ गए, उसकी पत्नी के नथनी और पैर पट्टी जो सुहाग की निशानी उसको ले गए ये लोग, और 56 करोड़ की जो संपत्ति ज्वेलरी है उसको छोड़ के आ गए। तो आप कार्रवाई किस प्रकार से कर रहे हैं ये समझ आता है, और इसी कारण से आप जितना यहाँ ईडी आईटी भेजते जाओ उसे फर्क नहीं पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, टारगेट आप हैं इनका, और नहीं तो ये तो लड़ नहीं सकते, इनकी बखत नहीं, पिछले समय 68 से निपटाए थे, इस समय 75 पार होगा, तो ईडी आईटी है वो बड़े मजबूत, लेकिन ईडी आईटी का एक बार उपयोग नहीं किया अमित शाह जी ने, जब वो आरोप पत्र लगाया ना तो वहाँ साइंस कॉलेज जो इंडोर स्टेडियम है बाहर, मतलब हाल भी लगा था और बाहर में एलईडी लगा था, बहुत सारी कुर्सियां लगी थी, 2 घंटा इंतजार करने के बाद भी कुर्सियां बाहर खाली थी, उसको हटाया गया, एलईडी हटाया गया और अंदर हाल नहीं भरा था, गुस्से के मारे आए और उन्होंने आरोप पत्र पढ़ने से पहले पत्रकार साथियों के पास पहुंच गया था। यदि ईडी आईटी को उस समय प्रयोग किए होते अमित शाह जी के अधिकारी लोग फोन कर देते तो मोहल्ला उठ के चल देते कि हम छापा मारने वाले हैं, नहीं तो तुम वहां पहुंच जाओ नहीं तो छापा मार देंगे, इतना भर एक मैसेज भर करना था। अरे देखिए वो हाल क्या, पूरा शहर भर ग्राउंड भर जाता, वो उपयोग नहीं किए। ये तकलीफ है, आपने ये भी कहा कि कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा ईडी। हाँ भाई, मोहल्लम रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, कोरबा में, रायगढ़, बिलासपुर, पता कर लो जितना मोहल्ले में कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते उससे ज्यादा ये लोग घूम रहे हैं। मिल कुछ नहीं रहा जी, मिल कुछ नहीं रहा, और इनको मिल कुछ नहीं रहा, क्या मिल रहा है बताओ ना। सर आपके ऊपर जो दूसरा इल्जाम बीजेपी लगाती है, बिल्कुल मोदी जी डायरेक्टली लगाते हैं, वो ये कि हम जो केंद्र की स्कीमें चला रहे हैं गरीब लोगों के लिए, भूपेश बघेल सरकार उसको उस पर काम नहीं करती, चाहे वो कहते हैं श्रेय की लड़ाई है, कुछ भी लड़ाई है। इसमें दो बातें, दोनों एक एक करके पूछता हूं। पहले तो ये धान की खरीद, वो कहते हैं सारा धान हम खरीदते हैं,
आप कहते हैं कि हम खरीदते हैं और हम मतलब भी देते ये हैं। है, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, इससे झूठा प्रधानमंत्री जिंदगी में मैंने नहीं देखा। हाँ, राज्य सरकार खरीदती है, बजट बता दे मुझे, बटन किस दिन दबाते हैं और किस दिन चेक भेजते हैं मुझे बता दीजिए। इतना बड़ा झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री, इससे हासिल तो बात क्या होगी कि वो कहते हैं कि धान हम खरीद, अरे चावल हम हमसे लेते हैं, जब मन होता तो लेते हैं, नहीं मन होता तो लेते हैं। हम तो धान को सार्वजनिक रूप से नीलामी किए, 1900 रुपये हम खरीदे और 1300-1400 रुपये हम बेचे। और यदि धान खरीद केंद्र सरकार खरीदे तो बनारस में क्यों नहीं खरीद लिए, वो 1200 रुपये में बेच रहे हैं। मैं गुजरात गया था, वहां भी चुनाव पता चला 1200-1300 रुपये धान की कीमत है, यहाँ तो हमारे 2640 रुपये पड़ रहा है। तो अपने राज्य को छोड़ देंगे, यहाँ महाराष्ट्र को उद्योग को उठा उठा के गुजरात ले जा रहे हैं और वहां किसानों को कीमत नहीं देंगे, ये कैसे हो सकता है? बनारस की जनता से उसे दुश्मनी है, दो दो बार सांसद बना के भेजे। रमन सिंह जी ने आपने जो बात कही उसका क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने ये कहा कि राज्य कोई भी राज्य इतना इतना धान का चावल का क्या करेगा, अल्टीमेटली ये पीडीएस सिस्टम में जाना है, राशन की हमारे गरीब लोगों को मिलना है राशन की दुकान से। तो आप धान, राज्य धान खरीदता है, उसका चावल बनाता है, चावल एफसीआई को बेचता है और केंद्र की सरकार सारा पैसा वापस लौटाती है आपको। आप अगर 2500 रुपये देते हैं उसमें से 2150 रुपया केंद्र का होता है। जैसे अभी कर्नाटक में 10 किलो किया तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मुझसे फोन किया कि भाई आपके यहाँ यदि सरप्लस चावल हो तो दे दीजिए। मैं बोला अभी इस साल तो मेरे पास 1 लाख मीट्रिक टन है, तो बोले मुझे तो 1.5 लाख मीट्रिक टन हर महीना चाहिए। तो मैं बोला तो वो चावल तो मेरा ही है ना, मैं बेचता हूँ, राज्य सरकार उसे बेचती है और जो जो भी घाटा है वो राज्य सरकार सहती है। तो नफा नुकसान जो है राज्य सरकार का है, तो संपत्ति राज्य सरकार की है तभी तो नफा नुकसान सहती है। रमन सिंह के समय में भी राज्य सरकार ही खरीदती थी और उससे समय 13-14 में 1500 करोड़ रुपये घाटा हुआ था। 14-15 में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और उस समय एक रिकॉर्ड निकाल के देख ली, 1300-1400-1500 करोड़ रुपये घाटा हुआ, तो राज्य सरकार भी आती ना, अभी भी घाटा हुआ तो राज्य सरकार भी। तो आप भी ठीक है, वो भी ठीक है कि वो, आप वो भी ठीक नहीं है। आप एफसीआई को बेचते हैं, केंद्र को बेचते हैं, वो आपको पैसा देते हैं ना उसका। तो मैं बेच भाई, ऐसा है कि मैं सामान मेरा है, आप खरीदे ना खरीदे, आप खरीद लिए तो आपका, पैसा चुकाया तो आपका हुआ और नहीं चुकाया तो मेरा ही होगा ना, हमने तो घाटा सहा ना। केंद्र सरकार हमारे हमसे चावल नहीं लिया कि क्योंकि आप 2500 रुपये दे रहे हैं वो बोनस है, इसके अनुसार आपको आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे बोले तो चावल हमारा धान बच गया, धान बच गया तो क्या करें, हमने नीलामी कर दी तो घाटा हुआ तो राज्य सरकार को, भारत सरकार देती क्या उसके घाटा को? तो जब आप खरीदे मतलब जो आपकी संपत्ति नहीं है तो लाभ और हानि आपको नहीं होगा, जिसका है उसको होगा, ठीक है ना। दूसरा विषय सर जिस पर कंफ्यूजन है वो ये कि आपने भी वादा किया है कि हम 17 लाख या 17.5 लाख आवास बना करके देंगे गरीबों को, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम आते ही सबसे पहला काम यही करेंगे, गरीबों के मकान बनाएंगे, बना लेना। और आपकी तरफ से इल्जाम ये है कि इन्होंने जो पीएम आवास योजना के तहत मकान बनने चाहिए थे उनकी स्वीकृति नहीं दी, वो कहते हैं कि आपने आपको स्कीम से बाहर किया गया क्योंकि आपने जो राज्य का शेयर बनता है वो दिया नहीं। चलो बजट निकाल के देख लो, हम बजट में रखें कि नहीं रखें दिख जाएगा, वो तो आंकड़े बोलेंगे ना, बजट काफी कहेंगे ना कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। और दूसरी बात यह है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से 17 लाख लोगों को था, 11 लाख लोगों को दे दिया, जो 6,99,000 जो लोग बचे थे अभी हमने और उसका हिस्सा मांगे वो दिए नहीं, हमने कहा कि वो दे ना दे हम देंगे और पहली किस्त हमने उसके खाते में डाल दिया। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2021 में जनगणना होना था, आर्थिक सर्वेक्षण होना था, नहीं किए हमने आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू किया और उसमें पाया गया कि 10,47,000 लोग हैं जो आवास की आवश्यकता है, जिसमें से 47,000 ऐसे लोग हैं जिसके पास आवास है ही नहीं, उनको भी हमने पहली किस्त दे दिया है। अब कुल मिला के 17.5 लाख लोगों को आवास आवंटन हम करेंगे, यदि इनको करना होता तो पहले कर लेते, क्यों नहीं किए? वही चीज समझ में नहीं आ रही सर। हाँ। सेंटर की भी स्कीम है, आपको अपनी स्कीम लॉन्च करनी पड़ रही, आफ्टर ऑल पैसा वहां का हो यहाँ का हो जनता का पैसा। चिट्ठी लिखा हूं उसको कि हमको पैसा दो, क्यों नहीं दे रहे? वो तो पोर्टल बंद करके रख दिए भाई, जो 2024 तक के पोर्टल खुला रहना चाहिए वो बंद करके रखे, अब वो उसी एंट्री भी नहीं कर सकते कि हमने इतने मकान इतने पैसा दे दिए, अब बंद कर दिया। हमने कहा कि हम गरीब लोगों को आवास देंगे, ढंग की चोट में देंगे, दे ना दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी।
कांग्रेस सरकार बनाई। एक आरोप, एक जो आप वादा करके आए थे 18, अरे उनके तरफ आरोप, आप कुछ पूछो यार। सर आरोपी हमने मतलब उसके मतलब मैं तो आपसे वही आरोप पूछ सकता हूँ ना जो जो पब्लिक डोमेन में है। वो आरोप लगाते हैं आप अपने तरफ से कुछ बात करो। मैं वो भाजपा के प्रवक्ता के बात मत बोलो, उसके आरोप मत बोलो, आप अपने बोलो ना अभी। अच्छा आप सरकार में तो आप पर आरोप कौन लगाएगा? आप लगाओ ना, आप पत्रकार हो, आप लगा सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वही करिए, सवाल पूछिए मुझसे। नहीं, लेकिन प्रवक्ता वाली क्या बात है भाई, आपसे अगर नहीं, आपने लगातार कहा भाजपा ने आरोप लगाया। आप सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा आपको। जी ठीक, लेकिन प्रवक्ता कहना ठीक नहीं था आपका। अब आपने आप सत्ता में आए ये कह करके कि हम शराबबंदी करेंगे। वो तो भाजपा वाले भी बोले थे, रमन सिंह बोले मैं सत्ता में रहूं, सरकार चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूंगा। क्यों नहीं किए भाई? दूसरी बात यह है कि मोदी जी आते हैं गुजरात से, वहां शराबबंदी है, देश में शराबबंदी कर दे, छत्तीसगढ़ में अपने आप हो जाएगा। मांग कर रहा हूं, वादा तो आपका था कि आप करेंगे प्रदेश। हाँ तो वो भी साथ देना, मैं कह रहा हूं देश में कर दो तो छत्तीसगढ़ में थोड़ी जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कोई अनुभव हुआ होगा आपको कि इसमें दिक्कत है? ठीक है ना, मैंने आपके सवाल के जवाब दे दिया, आगे बढ़िए। मतलब मुमकिन नहीं है प्रदेश में? जी प्रदेश में मुमकिन नहीं है शराबबंदी। क्यों? जब गुजरात में हो सकता है, जब बिहार में हो सकता है, तो देश में क्यों नहीं हो सकता? एक बार देश में कर दीजिए प्रधानमंत्री जी, तो वहां था 14 साल वहां मुख्यमंत्री रहे, उनको ज्यादा अनुभव है शराबबंदी का। तो मैं कह रहा हूं देश में कर दे तो हमारे राज्य में अपने आप हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आपकी सरकार आपकी पार्टी ने जो एक वादा किया है कि हम प्रदेश के अंदर जाति जनगणना कराएंगे, एक डेटा आपके पास भी है, तो ये हम समझना चाहते हैं आपसे कि ये जो अब सर्वे आप वादा कर रहे हैं कि होगा जाति जनगणना, और जो आपने सर्वे कराया था, इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब हम कोर्ट में गए उस समय 82% हमने आरक्षण दिया, तो हाईकोर्ट ने कहा किस आधार पर लगाया, तो हमने कहा कि भाई हेड काउंट करा देते हैं, क्योंकि SC और ST का जनगणना तो है 2011 का, लेकिन OBC का कराया नहीं और अपर क्लास का नहीं कराया था, EWS का नहीं कराया थे, हमने हेड काउंट करा लिया, क्योंकि जनगणना करने काम तो भारत सरकार का, भारत सरकार कर नहीं सकती, कर नहीं रही है, और हम लोग उसको कर नहीं सकते, तो हमने हेड काउंट करा दिया। हेड काउंट कराया तो 43.5% OBC का पाया और 3.5% हमने EWS का पाया, तो हमने उसको 4% किया, और चूंकि मंडल आयोग की सिफारिश है कि 27% करना है, भारत सरकार खुद 27% आरक्षण दे रही, हमने उसको बढ़ा के कर दिया। अब 76% किए तो भारत जो राजभवन है वहां अटका हुआ है। अनुसुईया उइके जी राज्यपाल थी, उन्होंने कहा था कि आप चाहे अध्यादेश भेजो चाहे विधानसभा में विशेष सत्र बुलाओ, आप बिल भेजो, मैं आधे घंटे के अंदर में दस्तखत करूंगी। और हमने बिल्कुल रात को 9 बजे मेरे सीनियर मिनिस्टर को, रविंद्र चौबे जी, अमरजीत भगत और मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा, सी डहरिया, सब मंत्री भेजा रात को 9 बजे, आप ही लोग ले जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा है आधे घंटे में, सार्वजनिक उसके सारे पेपरों में उसका उनके जो बात है वो छपी थी। तो मैंने भेज दिया उस विश्वास के साथ, लेकिन उसी समय कहीं से फोन आया, उसके बाद बोले छोड़ दो मैं बाद में करूँगी। बाद में की नहीं, रोज ये बात आती थी कि आप तो आधे घंटे में करने वाली थी, नहीं किए, भद पीट रही थी तो उसका ट्रांसफर मणिपुर कर दिया, वहाँ आग लगी हुई है अभी। ये हमारे हरिचंदन भूषण हरिचंदन जी आए हैं, बहुत सीनियर हैं, उससे भी कई बार रिक्वेस्ट हम लोगों ने किए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। तो राज्यपाल में, राजभवन में आखिर कोई बिल कितने दिन तक रह सकता है, जबकि 2 दिसंबर का भेजा हुआ है, अब फिर से दिसंबर आ जाएगा तो 1 साल हो जाएगा, लेकिन कोई बिल कब तक रुकना चाहिए? और आरक्षण का लाभ लोगों को मिल नहीं रहा है। अब दूसरा ये जाति जनगणना की बात है, तो उसमें अंतर ये है, उसमें हमने हेड काउंट करा दिया कि OBC है उसके हमने गिन लिया। अब हेड मतलब अब जाति जनगणना कराएंगे तो OBC में, SC में, ST में अनेक जातियां हैं, अपर क्लास में अनेक जातियां हैं, हम सबका हेड काउंट करेंगे, कौन जाति कितना है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, नौकरी में कितने लोग हैं, उसके व्यापार व्यवसाय क्या है, सब जानकारी आ जाएगा, तो सरकार को योजना बनाने में उसका लाभ मिलेगा, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे अपर क्लास हो, तो उसका फायदा मिलेगा कि इतने 75 साल बाद भी हमारे समाज के
विभिन्न जातियां हैं वो किस स्थिति में पहुंचे हैं इसकी जानकारी हो जाएगी। ये आरक्षण से रिलेटेड नहीं है, जाति जातिगत जनगणना, मतलब कि उसके आधार पर फिर आरक्षण पर विचार किया जाए बढ़ाना है कितना बढ़ाना। जब तो वो हमारे तो यहाँ रायपुर महाधिवेशन में बात हुई थी और CWC की बैठक हैदराबाद में हुई थी, तब भी ये तय किया गया कि ये 50% जो सीमा रेखा है वो तो पहले ही मोदी सरकार लांग गए, 60% हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है, तो 5% की जो सीलिंग है तो अपने आप खत्म हो गया। तो हमारे पार्टी में तो तय किया ये 50% की जो सीमा रेखा उसको खत्म करेंगे। सर एक पहलू इस राजनीतिक लड़ाई का आपका और बीजेपी का ये चल रहा है कि वो आपके ऊपर, जैसे गृहमंत्री ने खुलकर रैली में कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने एक युवा की लिंचिंग करा दी, उसको लेकर आप लोग इलेक्शन कमीशन भी गए इस बात को लेकर के। कवर्धा का इंसिडेंट हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है भूपेश बघेल की सरकार, तो इल्जाम आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि प्रदेश में धर्मांतरण। देखिए भारतीय जनता पार्टी के ना सांप्रदायिकता और धर्मांतरण में उसकी मास्टरी है, उसी में उसकी PhD है, इसके अलावा उनको आता भी कुछ नहीं है। इसी आधार पे वो सत्ता में आते हैं कि ध्रुवीकरण करो, अल्पसंख्यक को एक किनारे करो, बहुसंख्यक आपके साथ आ जाए, वोट पाओ, उसके बाद वो मरे जिए उसे कोई लेना देना नहीं। आज स्थिति क्या, देश में महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ट्रेन बंद है उसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है उसमें कोई बोल नहीं रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत सारे जो रेल मंत्री थे इस्तीफा दे देते आज कोई बात नहीं है, रद्द हो रहे हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, देश कर्ज में डूब रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ये बस यही सांप्रदायिकता और धर्मांतरण खेलते रहो, बढ़िया है, सबका ध्यान बटा रहता है उसे, ये बढ़िया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, कवर्धा की जो बात की ना उसके ठीक बाद बिरगांव नगर निगम के चुनाव हुए, भिलाई के जो पूरे मिनी भारत कहा जाता है भिलाई, वहां चुनाव हुए, रिसाली में चुनाव हुए, भिलाई चरौदा में चुनाव हुए, सारे नगर निगम है उस घटना के बाद, और ये लोग खूब प्रचार प्रसार किए, लेकिन चारों जगह बहुमत भी हमारे पार्षद के हैं और चारों जगह महापौर भी कांग्रेस के हैं। तो ये इस चीज को छत्तीसगढ़ की जनता पसंद भी नहीं करती। धर्मांतरण के आरोपों पर क्या कह रहा है लेकिन आपका, खासकर ट्राइबल एरियाज में? बहुत अच्छी बात आपने कही कि धर्मांतरण के मामले में हमारे मंत्री कवासी लखमा जी है, उन्होंने 3-4 महीने पहले चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी, हमारे शासनकाल में एक भी धर्मांतरण बस्तर में हुआ तो मैं इस्तीफा देता हूँ, सिद्ध करके बता दूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप भर लगा रहे हैं, बता दें कौन धर्मांतरण किया है, खड़ा कर दें, मंत्री है वो कह रहे हैं, बस्तर से आते हैं वो मंत्री ने कहा कि एक भी धर्मांतरण हमारे कार्यकाल में हुआ तो बता दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो केवल आप हल्ला भर करते हैं, लोगों को इतना हल्ला कर दो, क्योंकि गोविंद के मानने वाले हैं, एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो लोग सच मान लेते हैं, तो वही काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बस आखिरी भी 1-2 मिनट हुआ, बिल्कुल मुझे जल्दी छुट्टी दे दीजिए। आज आप दिन में राहुल गांधी जी के साथ थे, हाँ। खेत में जो है धान काटते हुए उनकी तस्वीर, आपकी तस्वीर भी आई, बीजेपी इस राहुल जी के बारे में ये सवाल है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो, क्योंकि वो अलग अलग जगह लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, तो उस पर हमलावर रहती है, कहती है कि भाई ये फोटो शूट है, एडवेंचर टूरिज्म है, क्या है? राहुल गांधी अलग अलग लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, आज छत्तीसगढ़ में हुआ भाई, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री चीन के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूलते हैं वो नहीं है, वो सेल्फी लेते हैं वो नहीं है, रमन सिंह करीना कपूर के साथ सेल्फी लेते हैं वो। अब खेत के यदि मजदूर के साथ ये राहुल गांधी जी फोटो खींच लेते हैं तो आपको इवेंट मैनेजमेंट लगता है, रमन सिंह जी करीना कपूर के साथ फोटो खींचते हैं वो क्या बोलेंगे इसे? नहीं बोलेंगे। एक तस्वीर आपकी बड़ी वायरल हो गई थी, वो कैंडी क्रश खेलते हुए, हाँ, तो उसमें कोई अपराध है क्या? कैंडी क्रश खेलना अपराध है? बिल्कुल अपराध है, बता दीजिए, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, मैं खेलता हूँ, मेरी पत्नी भी खेलती है। कौन सी स्टेज पे? वो दूसरी खेलती है। कौन सी स्टेज पे आ गए? अभी 4600-4700 के स्टेज में पहुंचा हूं। लट्टू भी चलाते हैं आप, गेड़ी भी चलते हैं? वो भी करता हूँ, नदी में छलांग भी लगा लेता हूँ, गेड़ी भी चढ़ लेता हूँ, तो जो जो आता है मैं कर लेता हूँ, उसमें छुपाता कुछ नहीं। फिटनेस के लिए कुछ खास करते हैं? अपनी फिटनेस के लिए कुछ करते हैं खास? यही तो सब है ना भाई, शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि आप शारीरिक गतिविधि कुछ ना कुछ करें, खेल कूद करें, बच्चों के साथ खेलें, कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ खेल खेल लें, शरीर स्वस्थ रहेगा। दिन रात आप
राजनीति राजनीति सोचेंगे तो आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, कभी ध्यान बटाने के लिए कोई बड़े पुस्तक पढ़ लो। आजकल तो गूगल आंटी आ गई है तो वो तुरंत सब चीज उपलब्ध भी करा देती है। कुछ कैंडी क्रश खेलो, भी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा माइंड उसे हट जाता है। सर आखिरी सवाल, एमपी में गए थे तो मुख्यमंत्री शिवराज जी से मैंने पूछा था कि आपको ये मामा नाम किसने दिया, आपको यहाँ कक्का कहते हैं, काका कहते हैं, कहाँ से आपको ये नाम पड़ा था? उसको काका तो खुद, मामा तो खुद बुलवाया है, मैं मामा हूँ, मैं मामा हूँ, यहाँ मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जब बच्चों के हाई स्कूल में जब जनरल प्रमोशन दिया तो वो बच्चे लोग बोले काका अभी जिंदा है। जब लॉकडाउन लगा था और उस समय मजदूरों को 26 लाख मनरेगा के काम चल रहे थे तो मजदूर लोग बोले काका अभी जिंदा है। जब किसानों को 1500 करोड़ रुपया उनके खाते में डाला पहले किस्त, तो किसानों ने कहा काका अभी जिंदा है, तो काका चल पड़ा है। ये मेरे द्वारा नहीं, मैं काका हूं तुम्हारा ऐसा नहीं बोला भाई, जैसे मामा बोला शिवराज सिंह उस टाइप का मैंने बोला। उपेश जी, कक्का जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। भी ठीक नहीं थी, मैंने कुछ कड़ी बात कर दी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन बात तो सही है।